गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। सर एनसीईआरटी का जो सिलेबस बदला गया है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले सवाल यही। एनसीईआरटी स्कूल लेवल की शिक्षा की किताबें हैं। स्कूल लेवल की जो शिक्षा होती है उसका तीन उद्देश्य होता है, क्यूरियोसिटी, नॉलेज और विजडम। ये तीन बच्चों पढ़ाई तीन लेवल की है, एक स्कूल लेवल की है, फिर एक कॉलेज लेवल की है, फिर एक रिसर्च है यूनिवर्सिटी लेवल की है। तो ये जो स्कूल लेवल की पढ़ाई है वहां पे बदलाव किया गया है, ठीक है। तो इस बदलाव का उद्देश्य जो भी हो, लेकिन अगर उससे ये तीन चीजों की पूर्ति नहीं होती, मतलब स्कूल शिक्षा में तीन चीजें जरूरी है, क्यूरियोसिटी, नॉलेज और विजडम। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों में इन तीन चीजों का विकास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक उदाहरण देके हम ये बात का समझाई कि भारत एक विभिन्नतावादी देश है, ठीक। अब इस विभिन्नतावादी देश में कश्मीरी है, तमिल है, बिहारी है, पंजाबी है, सब रहा। अब पहली बार इस विभिन्नता का सामना किस अशोक, सम्राट अशोक, तो जब उसको इस विभिन्नता का उसने सामना किया तो उसने एक नीति लेकर आया, धम्म की नीति। माँ बाप का सम्मान करो, सन्यासियों का सम्मान करो, दान पुण्य करो, हिंसा कम करो। तो ओके, पूरा उद्देश्य रहा कि इस विभिन्नतावादी देश का कैसे बांधा जाए। अच्छा, मुगल काल में वही काम अकबर की हिंद तौहीद इलाही लाए के। तो अब एक है उद्देश्य का है कि जो भारत के बच्चे हैं, भारत जो राष्ट्र है, उनके बच्चों को ये समझ में आए कि देखो भैया यहाँ विभिन्नतावादी लोग रहते हैं, सबको एक सूत्र में बांध कर चलना है। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विजडम का विकास। अच्छा, एक बात और कि पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है, अगर पाठ्यक्रम बदल दिया गया तो आगे आप तैयारी कराते हैं बच्चों की, कंपटीशन लेवल की तैयारी कराते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा भी या नहीं? कंपटीशन में तो जहां भी, चाहे चाहे मछली की आंख में तीर मारना हो, चाहे चिड़िया की, कंपटीशन लड़ने वाला लड़का तो तीर मारेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको चाहे द्रौपदी को जीतना, भाई द्रोणाचार भी आईएएस की परीक्षा ले रहे थे, पांचों भाई को बुलाए, चार फेल कर गए। तो पाठ्यक्रम के बदलने से कंपटीशन वाले बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाठ्यक्रम के बदलने से जो भी सरकार की मंशा हो, अभी तो पूरी तरह से मैंने इसको पढ़ा नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, लेकिन उसके पीछे जो भी उद्देश्य हो, कंपटीशन के उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको लड़ना है वो लड़ने के लिए तैयार है। तो मतलब हु हल्ला तो फिर इतना क्यों हो रहा है, ये हु हल्ला जो हो रहा है वो सही बा या गलत? ब्रजेश भैया, जहां भी धुआं उठी तो कुछ ना कुछ तो आग होबे करी ना। अच्छा, आग लगा, धुआं अगर उठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो भाई बात है। अब जैसे कुछ लोग ही कहते हैं कि अगर मुगल का खत्म कर देबो तो राणा प्रताप के महानता कैसे पढ़ेबो। बतिया तो सही है ना। किससे लड़े भाई, खत्म कर दूं तो राम कहां बचे? भाई आप कहा तो हम रावण का पृष्ठभूमि से हटा दिए, तो राम खत्म। तो अब कहीं ना कहीं कुछ तो भाई इसमें बात में दम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मुगल काल का जो पीरियड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे कहने जा रहा हूं। मुगल काल का जो पीरियड है भैया, वो गंगा जमुनी तहजीब का बहुत ही शक्तिशाली पीरियड है। उसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसंग है वो बड़ा मजबूत हुआ है। तो उस कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो भारत की एकता का सार है, जो उस काल में बहुत ज्यादा मजबूती से दिखाई पड़ता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल।